साइकोलॉजी ने मनोविज्ञान के चैप्टर 2 जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को कवर नहीं किए तो प्लीज कर लें, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए चैप्टर का जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, खास करके साइकोलॉजी ने मनोविज्ञान का थ्योरी एक्सप्लेनेशन जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी यह बनता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। और साइकोलॉजी में तो समझना ही है, हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी नहीं मनोविज्ञान में, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग अपने बारे में यानी सेल्फ के बारे में और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। आत्म यानी खुद यानी मैं या फिर आप खुद, ठीक है, आत्म उसको बोलते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग गुण होता है, हर एक व्यक्ति में कुछ अलग गुण देखने के लिए मिलेगा, वही उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, वही उसका अलग पहचान है, वही क्या कहलाएगा, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कहलाएगा, ठीक है। आत्मा और व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्या है, पार्ट 4 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 वीडियो का। पार्ट 4 वीडियो का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फ्रायड कौन है। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है जो काफी मतलब प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या किया था, व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत यानी 5-स्टेज थ्योरी प्रस्तावित किया था। व्यक्तित्व विकास यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को कैसे विकसित किया जा सकता है, पर्सनैलिटी को कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, हम लोग अपने पर्सनैलिटी को या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई आप या फिर कोई थर्ड पर्सन अपने व्यक्तित्व को यानी पर्सनैलिटी को कैसे विकास कर सकता है, उसके लिए उन्होंने एक अवस्था दिया था जिसको क्या बोलते हैं, पंच अवस्था सिद्धांत यानी 5-स्टेज थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है यानी अच्छा गुण, अपने आप में अच्छा गुण का कैसे विकास कर सकते हैं, उसी को बताने के लिए उसी को उन्होंने एक इस अवस्था में बताया है, एक सिद्धांत में बताया है जिसको क्या कहते हैं, पंच अवस्था सिद्धांत। सबसे पहली बात यह है कि पंच अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह चीज तो आपको कभी नहीं भूलना है। फ्रायड इनके क्या है, पंच अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक है यानी 5-स्टेज थ्योरी के क्या है, प्रतिपादक है, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, मनोलैंगिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये जो अवस्था है, ये जो सिद्धांत है, पंच अवस्था सिद्धांत, इनको मनोलैंगिक विकास के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम हो गया ऑब्जेक्टिव के रूप में, पूछा जा सकता है कि इनमें से किसको मतलब मनोलैंगिक विकास के नाम से जाना जाता है, वहां आपको दे देगा पंच अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था सिद्धांत, पंच अवस्था सिद्धांत, चतुर्थ अवस्था सिद्धांत, याद रहेगा तभी तो आप टिक कर पाएंगे। तो मनोलैंगिक विकास के नाम से किसको जाना जाता है, पंच अवस्था सिद्धांत को भी जाना जाता है, ठीक है। ये कौन सा सिद्धांत है, ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें जिसका फॉलो करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को विकसित कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनालिटी को बढ़ा सकता है, अपने अच्छे गुण को बढ़ा सकता है, ठीक है। विकास की इन 5 अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था पर समस्याओं के आने से विकास बाधित हो जाता है। देखिए ये जो 5 स्टेज है, अगर किसी भी समस्या में कोई भी डिस्टर्बेंस आया, कोई भी प्रॉब्लम आया, तो यहां क्या होता है कि विकास जो होती है, किसका विकास यानी व्यक्तित्व का विकास, उसमें बाधा हो जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, जिसका प्रभाव मनुष्य पर लंबे समय तक रहता। जब अगर उनका डिस्टर्ब होगा, अगर इस दौरान यानी 5वें अवस्था में कोई भी एक अवस्था में कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी समस्या आया, उनके आने से जो डिस्टर्बेंस होगा, जो भी बाधाएं होगी, उत्पन्न होगी, और उनका जो इफेक्ट पड़ेगा पूरा जिंदगी भर, लगभग सॉरी एक तरह से लंबे समय तक यानी 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक उनका रह सकता है, इफेक्ट रह सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्ट मतलब काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, काफी इंटरेस्टिंग मतलब सिद्धांत है। चलिए 5वें मतलब 5 स्टेज थ्योरी, तो 5वां स्टेज में से पहला स्टेज क्या है यानी पहला अवस्था क्या है, वो है मौखिक अवस्था, ठीक है। 5वां अवस्था में 5वां अवस्था आपको पढ़ना है। पहला अवस्था क्या, मौखिक अवस्था, दूसरा क्या, जनांगीय अवस्था, तीसरा है गुदीय अवस्था, चौथा है काम प्रस्तुति अवस्था, और लास्ट है लैंगिक अवस्था, ठीक है। 5वां अवस्था को आप याद रखेंगे तभी आपका पंच अवस्था थ्योरी सही, पंच अवस्था सिद्धांत यानी सही से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी पंच अवस्था सिद्धांत की व्याख्या करें, 5 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो पहला जो अवस्था है वो क्या है, यह शिशु का प्राथमिक सुख प्राप्ति का, सुख मतलब क्या होता है, सुख यानी अच्छा यानी आनंद प्राप्ति का केंद्र होता है, जिसके माध्यम से शिशु भोजन लेता है। मौखिक अवस्था में क्या होता है कि प्राथमिक सुख प्राप्ति का केंद्र होता है, और इसी के माध्यम से मौखिक अवस्था में क्या होता है, मौखिक अवस्था में शिशु जो है वह भोजन ग्रहण करता है, भोजन लेता है। दूसरा जो अवस्था है जननांगीय अवस्था, ठीक है, जननांगीय अवस्था फिर जननांगीय अवस्था, इनको जोड़ करके दोनों शब्द को जोड़ करके क्या बना दिया गया, जननांगीय अवस्था या फिर जननांगीय अवस्था, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति जो है मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता यानी प्राप्त कर लेते हैं। मनोलैंगिक विकास यानी मन में जो लैंगिक विकास होती है, मनोलैंगिक यानी साइकोलॉजिकल रूप से जो भी उनके परिपक्वता होते हैं माइंड में, जो भी मैच्योरिटी होती है, वो प्राप्त कर लेते हैं जननांगीय अवस्था में। तीसरा जो अवस्था वो क्या है, गुदी अवस्था, और इस अवस्था में जो है बच्चा 2 से 3 वर्ष की उम्र में समाज के कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करना सीखते हैं। समाज के कुछ मांग होते हैं, कुछ ना कुछ मांग होता है, समाज का क्या मांग होता है,
बताइए तो क्या मांग होता है? अच्छी शिक्षा की मांग होती है, अच्छे रोजगार की मांग होते हैं, अच्छे समाज के प्रतिपादक, अच्छे समाज में अच्छा नेता हो, यानी समाज में जो हो अच्छे अच्छे जो मांगें होती है उसके प्रति वो क्या करते हैं, अनुक्रिया करना सीखते हैं, उनके प्रति वो रिएक्शन देना सीखते हैं। हाँ, समाज में ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए, समाज में स्कूल होना चाहिए, समाज में अच्छा मुखिया होना चाहिए, समाज में अच्छा मेंबर होनी चाहिए, समाज में अच्छा वार्ड का प्रतिपादन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए अच्छा आदमी होनी चाहिए, तो ये सारे चीज पर रिएक्शन देने लगता है। किस अवस्था में? गोदी अवस्था में, ठीक है। अब चलिए चौथा जो अवस्था वो क्या है, काम प्रसुप्ति अवस्था। तो ये जो अवस्था है ये 7 वर्ष की आयु में शुरू होती है। अब देखिए बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना, 7 वर्ष की आयु में बच्चा लगभग सब कुछ समझने लगता है। तो 7 वर्ष की आयु में ये शुरू होती है काम प्रसुप्ति अवस्था, जो यौन आरंभ तक चलती रहती है, ठीक है। यौन आरंभ तक ये अवस्था जो है चलती रहती है। लास्ट स्टेज है, यानी लास्ट स्टेज का नाम क्या है, लैंगिक अवस्था, क्योंकि लैंगिक अवस्था लास्ट स्टेज का नाम है। अब देखिए ये मनोलैंगिक के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी पंचअवस्था सिद्धांत को, ठीक है, मनोलैंगिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट स्टेज क्या है, लैंगिक अवस्था। तो इस अवस्था में जो है 4 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे महिलाओं तथा पुरुषों के बीच अंतर को अनुभव करने लगते हैं, ठीक है। यानी लास्ट में लैंगिक अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो भी हैं 7 वर्ष, देखिए अब 4 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे तो आराम से फर्क कर पाएंगे मेरी मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा भाई कौन है। तो उन लोगों में जो है क्या करता है कि उन लोगों में अंतर का अनुभव करने लगता है, यानी थोड़ा बहुत इनको रियलाइज होने लगता है कि हाँ ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये लड़का है, ये लड़की है। उनको थोड़ा बहुत अनुभव करने लगता है, उनको रियलाइज करने लगता है, उनको एक तरह से समझने लगता है, ठीक है। कौन सा अवस्था में, लैंगिक अवस्था में, ठीक है, समझ गए। पांचवा स्टेज क्या क्या है, मौखिक अवस्था, जनन अंगीय अवस्था, गुदी अवस्था, काम प्रसुप्ति अवस्था, लैंगिक अवस्था। तो पांचों स्टेज को आपको याद रखना। फ्रायड के द्वारा यह पंचअवस्था सिद्धांत दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसी सिद्धांतों को फॉलो करते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी यानी अच्छा गुण को बढ़ा सकता है, अच्छा गुण का विकास कर सकता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इपिटस मनोग्रंथि, सॉरी इडिपस मनोग्रंथि, यानी इडिपस कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, ये देखिए एक ग्रंथि होता है, यानी एक मतलब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी एक तरह से पिट्यूटरी ग्रंथि, 10th क्लास में याद कीजिए पिट्यूटरी ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इडिपस मनोग्रंथि जो होता है ये लड़का या बालक को इसका अनुभव लैंगिक अवस्था में होता है, यानी इडिपस कॉम्प्लेक्स का पता कब चलेगा लड़का या बालक को, ये लड़का या बालक में ही होता है, ये लड़का या बालक को कब पता चलेगा, जब वो लैंगिक अवस्था में होगा। लैंगिक अवस्था में क्या होता है कि 4 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे महिलाओं तथा पुरुषों के बीच अनुभव करना सीखते हैं, ये क्या है, लैंगिक अवस्था है। तो यही लैंगिक अवस्था में जो है बालक और या फिर लड़का जो है इस चीज को अनुभव करने लगता है, किस चीज को अनुभव करने लगता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स को, यानी इडिपस मनोग्रंथि का अनुभव करने लगता है। और इसमें अपनी माता के प्रति बच्चे को प्रेम होते हैं, लड़का को, देखिए लड़का की बात की जा रही है, लड़का यानी बालक को अपने माता के प्रति प्रेम होते हैं और तथा पिता के प्रति गुस्सा होता है, ठीक है। यानी माता को जो है माँ को बहुत अच्छा प्यार करेगा, माँ को चाहेगा, सब चीज उनका माँ ही है, और पिता से जो है उनको गुस्सा होता है, पिता से इतना मेलजोल नहीं, पिता हमेशा एक तरह से मन मुटाव चलते रहता है उनका, ठीक है। ये है आपका इडिपस मनोग्रंथि यानी इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये कहां होता है, कौन सा स्टेज में आप फॉलो करेंगे, कौन सा स्टेज में इसको एक तरह से अनुभव करने लगेंगे, लैंगिक अवस्था में। लैंगिक अवस्था की उम्र क्या है, 4 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चा, ठीक है। तो 4 से 5 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको देखिएगा वो अपने पिता की ओर नहीं जाते हैं, बच्चे में छोटे बच्चे होंगे, 1 साल गोद में खेलने वाले बच्चे होंगे या फिर नहीं समझते होंगे या फिर दूध पीने वाले बच्चे होंगे तो वो अपने पिता के पास जाएंगे। लेकिन 4 से 5 वर्ष के बच्चे आप थोड़ा सा समाज में देखिएगा या फिर अपने फैमिली में ही देखिए, 4 से 5 वर्ष के बच्चे ज्यादातर अपने माँ के पीछे भागती है, ठीक है, यानी अपना माँ के पीछे भागते हैं। तो ये जो है क्या है, लैंगिक अवस्था, समझ गए, लैंगिक अवस्था इडिपस मनोग्रंथि। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रा मनोग्रंथि यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो होता है ये लड़कियों में होता है, ये क्या होता है, लड़कियों में यानी बालक या बालिकाओं में, यानी इडिपस ग्रंथि जो बालिकाओं में होता है वह थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है, जिसके कारण उसको अलग नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। वो जो इडिपस मनोग्रंथि जो होती है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, जिसके कारण अलग होने का कारण उनका नाम भी बदल दिया, क्या कर दिया नाम इनका, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कर दिया, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कर दिया। और इस मनोग्रंथि में क्या होता है कि लड़की अपने पिता को प्रेम करती है और माता से आक्रामकता होती है, मतलब उल्टा, यानी इडिपस ग्रंथि में, यानी इडिपस मनोग्रंथि में लड़का या बालक अपने माता को चाहते हैं, अपने माता के पीछे मतलब अच्छा तरह से प्रेम करते हैं, पिता को से गुस्सा करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रा मनोग्रंथि जो पाई जाती है लड़कियों में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो क्या होती है कि माता को नहीं चाहते हैं, माता जो मम्मी होती है उनको ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, पिता को ज्यादा प्यार करेंगे, पिता से ज्यादा प्रेम करेंगे, पिता को ज्यादा चाहेंगे, ठीक है। यह होता है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, समझ गए, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दोनों को याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एनालिटिकल साइकोलॉजी। अब देखिए विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है यंग ने फ्रायड से अलग होकर प्राप्त किया था। यह यंग और फ्रायड जो है ये दोनों मिलकर
करके काम करते थे पहले साइकोलॉजी ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान जो है एनालिटिकल साइकोलॉजी है, इसका जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था यूंग ने, किसने, यूंग ने फ्रायड से अलग होकर, यानी अलग होकर उन्होंने काम किया था और उन्होंने प्रस्तावित किया था इस सिद्धांत को, यानी एनालिटिकल साइकोलॉजी थ्योरी को। ये देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि यदि माता पिता अपने बच्चे के प्रति उदासीनता या अनियमितता अपनाता है तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, उदासीनता, बच्चे को हमेशा मतलब गुस्सा दिखाएंगे, बच्चे को हमेशा मतलब उदासी कहानी बताएंगे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे को अगर हमेशा अगर दुख ही सुनाएंगे अपना फैमिली के बारे में कोई भी माता पिता, कोई भी पेरेंट्स, या फिर उनके उनके लिए अनियमितता अपनाते हैं, यानी उनके लिए कोई नियम नहीं, जब चाहो मतलब कहीं घूमने जाओ, जब चाहो तुम खाओ पियो, नहीं क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, उनका मतलब कोई नियम नहीं है, मतलब कोई अनियमितता नहीं है, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है बच्चे का, और बच्चे के प्रति हमेशा मतलब उदासीनता आप जाहिर करते हैं, बच्चे को बोलते कि घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, घर में ये होना चाहिए, मतलब हमेशा उदासी वाला कहानी, उदासी वाला अगर बात अगर बच्चों को बताएंगे तो वो क्या होती है कि अपने आप को असुरक्षित यानी अनसेफ क्या करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, और यही अनसेफ होने के कारण यही चीज महसूस करेंगे बच्चे, तो आगे चल के क्या होते हैं, उन लोगों में बेसिक एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। बेसिक एंजाइटी यानी मूल दुश्चिंता, एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनी, ठीक है, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, बेचैनी। जब बच्चे को उदासी वाला कहानी बताएंगे, उसके नियम, उसको खाने पीने का नियम नहीं है, उनको खाने पीने टाइम पर नहीं दिया जाएगा, तो उसमें तो बेचैनी ही आएगा ना, एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, बेचैनी, ठीक है। तो मूल दुश्चिंता का जो मूल दुश्चिंता उत्पन्न हो जाती है, सही बात होगा ही, बच्चे को मतलब उदासीन चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे को हमेशा हास्यकुल हास्यमुख चेहरा दिखा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है काफी रिएक्ट करते हैं, बच्चे जो है अनुकरण ज्यादा करते हैं, कॉपी ज्यादा करेंगे आपका, आप जैसे करेंगे उसी चीज को वो सीखेंगे, ठीक है, बच्चे करके मतलब देख करके बहुत ज्यादा चीज सीखते हैं, जब उनको अकल हो जाती है वो करके सीखते हैं, लेकिन बच्चे जो कर नहीं पाते हैं वो देख करके बहुत ज्यादा चीज सीखते हैं, इसलिए बच्चे के प्रति हमेशा हास्यमुख चेहरा होनी चाहिए, ठीक है। और उस बच्चे में मूल दुश्चिंता यानी बेसिक एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है जिस बच्चे के प्रति माता पिता उदासीनता या फिर अनियमितता बरतते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एडलर के अनुसार हर आदमी यानी प्रत्येक आदमी अपर्याप्त तथा अपराध की भावनाओं से ग्रसित होता है, जिसे हीनता मनोग्रंथि कहते हैं। अब देखिए हीनता मनोग्रंथि सिंपल सी बात है, यहां हम लोगों ने पढ़ा था ईडिपस मनोग्रंथि, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, ईडिपस मनोग्रंथि लड़कों में, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, इसी तरह एक हीनता मनोग्रंथि होता है, इनका ये किसने बताया था, एडलर ने बताया था, एडलर के अनुसार उनके अनुसार हर एक आदमी में क्या होता है कि अपर्याप्त और अपराध की भावनाओं से ग्रसित होता है, अपर्याप्त और अपराध की भावनाओं से ग्रसित होता है, अपराध का फीलिंग होगा यानी अपराध करने का मन करेगा, ठीक है, कोई भी क्राइम करने का मन करेगा, तो ये जो है जिसको क्या बोलते हैं, हीनता मनोग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, एडलर के सिद्धांतों को व्यष्टि और वैयक्तिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। एडलर जो भी सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, जो भी सिद्धांत दिए हैं, उनके एक सिद्धांत है काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी यानी व्यक्तिक को व्यक्ति मनोविज्ञान, व्यष्टि और व्यक्तिक मनोविज्ञान यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। किसके सिद्धांत को, एडलर के सिद्धांत को। उनका कहना है कि व्यक्ति में चयन करने की क्षमता होती है। चयन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, यानी कोई भी चीज़ जो होता है उनको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ बुरा लगता है, उनको सिलेक्शन करने में, उनको सेलेक्ट करने में, चयन करने में वो आगे रहते हैं, उनमें कैपेसिटी होती है, यानी अपने बारे में अच्छी चीज़ सोचने की कैपेसिटी होती है, ये कौन कहते हैं, एडलर कहते हैं। अब देखिए फ्रॉम, ये वाला फ्रॉम नहीं, फ्रॉम मतलब वो नाम है, FROM, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से भी होता है, अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है। ये फ्रॉम के अनुसार मनुष्य मूल रूप से सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य जो क्या है, मूल रूप से सामाजिक प्राणी है, यानी सोशल एनिमल है, इस चीज को याद रखना है, किसके अनुसार, फ्रॉम के अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, रोजर्स का सिद्धांत उनके निदान सलाह में रोगियों को सुनने से प्राप्त अनुभवों से विकसित हुआ है। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए संतुष्टि अभिप्रेरक शक्ति है। संतुष्टि यानी व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है, लेकिन उनकी संतुष्टि जो है अभिप्रेरक शक्ति है, अभिप्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन, तथा वे व्यक्तित्व के विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी रोजर्स का जो सिद्धांत है, रोजर्स कहते हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पंचावस्था सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, पंचावस्था सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी फ्रायड द्वारा पंचावस्था सिद्धांत, तो यह भी पंचावस्था सिद्धांत देते हैं, इनका भी सिद्धांत है कि व्यक्तित्व का विकास जो होता है वह सतत प्रक्रिया में होता है, यानी व्यक्तित्व का विकास आदमी में लगातार होते रहता है, यानी आदमी में जो है लगातार अच्छे अच्छे गुणों को सीखते रहते हैं, लाइफ में हर चीज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, व्यक्तित्व ने पर्सनालिटी का मतलब विकसित विकास होते रहता है। अगर व्यक्ति जो है समाज में हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनके व्यक्तित्व ने पर्सनालिटी में इफेक्ट जाता है, वहाँ पर्सनालिटी में इफेक्ट पड़ता है तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है व्यक्तित्व का, जिसके कारण यह क्या है, सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कौन कहते हैं, रोजर्स कहते हैं, रोजर्स के सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मसिद्धि व
अवस्था है जिससे व्यक्ति अपनी पूरी संभाव्यताओं को विकसित कर चुके होते हैं। आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। मानवतावादी उपागम जीवन के सकारात्मक पक्षों के महत्व पर बल देता है। मानवतावादी उपागम जो है जीवन के सकारात्मक पक्ष जो भी पॉजिटिव मतलब साइट है उनको क्या देता है, बल देता है, उन पर मतलब ज्यादा ताकत देती है, उनको एम्फेसाइज करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑलपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन करने की सबसे अच्छी विधि जो है उससे उसके बारे में पूछना। यानी ऑलपोर्ट भी क्या है, एक मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मूल्यांकन करना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति का अगर हम लोग व्यक्तित्व को जांचना चाहेंगे, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है कि उसी व्यक्ति से उनके बारे में पूछो। यानी उसी व्यक्ति से उनके बारे में पूछिए, आपको क्या चीज, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ के प्रति आप क्या सोचते हैं, ये चीज़ के प्रति आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, ये सारा चीज़ उनसे सवाल पूछिए, आपको पता चल जाएगा, उनका मूल्यांकन हो जाएगा, उनका व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। ये कौन कहते हैं, ऑलपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रोडसा मस्तिष्क परीक्षण। ठीक है, ये जो परीक्षण है हरमन रोडसा ने दिया था, उन्हीं के नाम पर यह परीक्षण का नाम रखा गया। ये रोडसा मस्तिष्क परीक्षण जो है ये किसने दिया था, हरमन रोडसा ने विकसित किया था। इस परीक्षण में 10 स्याही धब्बा यानी स्याही धब्बा होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, ये चीज आप याद रखेंगे। रोडसा मस्तिष्क परीक्षण में कितने स्याही का धब्बा होता है, जो 10 होता है, उनमें से 5 काले होते हैं और सफेद रंगों के 2 होते हैं, कुछ लाल स्याही के और 7 और 3 पेस्टल रंगों के होते हैं। ठीक है, यानी कलर कौन सा कलर कितना संख्या में है, ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है, कोई ठिकाना नहीं है चैप्टर के अंदर से कहां क्वेश्चन पूछ दे, कहां से उठा के पूछ दे। तथा आगे चलकर यह परीक्षण 2 चरणों में दिखाया जाता है। पहला चरण निष्पादन मुख्य या उपयुक्त यानी परफॉर्मेंस प्रॉपर कहते हैं। दूसरा चरण पूछताछ यानी इंक्वायरी कहलाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा चरण, पहला चरण, दो चरण इसमें होता है। ये जो मतलब सॉरी हरमन रोडसा ने जो विकसित किया, तो ये परीक्षण जो विकसित किया उन्होंने, तो इसमें कितना चरण होता है, 2 चरण होता है, यानी निष्पादन मुख्य और उपयुक्त। निष्पादन मुख्य या फिर उपयुक्त कहते हैं यानी प्रॉपर परफॉर्मेंस, और दूसरा जो है पूछताछ यानी इंक्वायरी। ये 2 स्टेज है, 2 स्टेज को आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। टैट, अब देखिए टैट क्या होता है, यानी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, यानी ठीक है ये भी एक प्रकार का परीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो है ये परीक्षण में मरे और मॉर्गन ने टैट को विकसित किया था। टैट यानी टैट इसका, इनको ये जो परीक्षण है इनको किसने विकसित किया, मरे और मॉर्गन ने। यानी मरे और मॉर्गन 2 अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दोनों ने इनका विकास करने में सहायता की है, यानी दोनों ने मिलकर इन पर काम किया। इसमें 30 काली तथा सफेद रंगों के सचित्र कार्ड और एक खाली कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें प्राप्त अनुक्रियाओं को अंक प्रदान करने की एक मानक प्रक्रिया उपलब्ध है। इसमें जो भी अनुक्रिया प्राप्त होती है, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उनसे जो भी रिजल्ट आता है उसमें क्या दिया जाता है, अंक दिया जाता है। ठीक है, यानी फीडबैक के तौर पर उन पर क्या दिया जाता है, अंक दिया जाता है। उमा चौधरी द्वारा किया गया टैट का भारतीय अनुकूल भी प्रसिद्ध है, उपलब्ध है। उमा चौधरी क्या किए हैं कि टीएटी टैट यानी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण का क्या किया, उन्होंने भारतीय अनुकूल भी उपलब्ध करा दिया है, भारतीय अनुकूल भी उन्होंने छापा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य समापन परीक्षण। वाक्य समापन परीक्षण, इस परीक्षण में अधूरे वाक्य को पूरा किया जाता है। सिंपल सी बात है, वाक्य समापन, वाक्य का मतलब होगा वाक्य, समापन का मतलब समाप्ति यानी पूरा करना, समाप्त करना, परीक्षण का मतलब परीक्षण। तो यह ऐसा परीक्षण जिसमें वाक्य को, अधूरे वाक्य को पूरा किया जाता है, समाप्त किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, वाक्य समापन परीक्षण बोलेंगे। ठीक है, साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं। इंटरव्यू जो हम लोग सुनते हैं, कोई भी कंपनी में जाइए आपका इंटरव्यू लेगा, कोई भी कंपनी कोई भी जॉब में जाइए आपका इंटरव्यू लेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू जो होता है साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं। जनरली कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है संचरित साक्षात्कार यानी सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, यानी SST जिसको बोलते हैं, SST यानी संचरित साक्षात्कार सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट होता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के प्रश्न व्यक्ति को पूछे जाते हैं तथा एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें जो होता है व्यक्ति को सामने बैठा देगा, आदमी सामने बैठ जाएगा और यानी देखिए इंटरव्यू जो होता है, जब IAS वगैरह का इंटरव्यू होता है, तो वो क्या हो जाएगा, इस सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विशिष्ट प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, यानी कुछ खास प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या किया जाता है कि एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, ये नहीं कि जहां से मन तहां पूछ दिए। विशिष्ट प्रकार का प्रश्न अगर पूछने का तरीका होगा तो अलग एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अलग अलग तरह के अलग अलग खास खास जो क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, विशिष्ट प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो व्यक्ति से पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसा इंटरव्यू, संचरित इंटरव्यू में यानी संचरित साक्षात्कार में। ठीक है, असंचरित साक्षात्कार ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इसमें साक्षात्कार यानी साक्षात्कर्ता व्यक्ति से सवाल पूछकर उसके बारे में एक छवि तैयार करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ सवाल पूछा जाता है।
उसी के बारे में, यानी जो भी साक्षात्कारकर्ता कौन है, जो भी मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी साक्षात्कार ले रहे हैं, वो व्यक्ति जो है क्या करते हैं, उन व्यक्ति से सवाल पूछते हैं और उनके बारे में एक छवि यानी एक तरह से उनके बारे में एक बैकग्राउंड, उनके बारे में एक फीडबैक तैयार करते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, असंचरित साक्षात्कार है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थिति पर दबाव, यानी स्थिति परक दबाव परीक्षण, ठीक है। स्थिति पर नहीं होगा या परक होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति दबाव के हालात में कैसा व्यवहार करता है इसके बारे में यह परीक्षण जानकारी देता है, यानी सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट जो है ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है अपना मतलब दबाव की स्थिति में कैसा रिएक्शन करता है, कैसा व्यवहार, कैसा एक्टिविटी दिखाता है, ये सारा चीज जो होता है इसकी जानकारी प्राप्त करता है। सारा चीज का कौन, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट यानी स्थिति परक दबाव, ठीक है। स्थिति परक यानी सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, ये टेस्ट है एक प्रकार का इंटरव्यू। अब देखिए यह चैप्टर आपका आत्म एवं व्यक्तित्व जो चैप्टर है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी क्या हो गया, द एंड हो गया, क्या लिखा हुआ, द एंड हो गया, ठीक है। तो यहां क्या लिखा हुआ, प्लीज देखिए, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये भी हम लोगों को बोलना पड़ता है, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, प्रॉपर वे में आपको प्रिपरेशन कराया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का सभी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी तरह से तैयारी हो पाएगी आपकी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर यानी आत्म एवं व्यक्तित्व का हम लोगों ने पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है, आगे आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, बहुत ही जल्द आने वाला है, इसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया चैप्टर 2, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।